पहला क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर केस का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज से ही है। इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज -30 किलो जूल पर मोल दिया है। इन वीवो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी एंड एडीपी एंड पीआई इज गिवन -7.90 1.04 एंड 7.90 मिलीमोलर रिस्पेक्टिवली। When the E. coli cells are cultured as 37 degree centigrade, अगर कल्चर कर रहे हैं so free energy change for ATP hydrolysis will be. So now try to understand कि ये देखिएगा standard free energy change दिया है और there is a difference between standard and non. This like एक होता है delta G naught और एक होता है delta G. डेल्टा जी नॉट इज -RTln के इक्विलिब्रियम होता है और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTln के होता है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये जो होते हैं ये फॉर्म पाए जाते हैं आपके डेल्टा जी, एक डी नॉट स्टैंडर्ड होता है और जी जो है नॉर्मल होता है। ये जो है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है ठीक है, और ये जो है ये आपका नॉर्मल फ्री एनर्जी चेंज जिसकी बात की जाती है। इन्होंने पूछा क्या है, द फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है के बारे में। नाउ रिएक्शन कॉन्स्टेंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए एटीपी हाइड्रोलिसिस की बात की जा रही है। एटीपी विल बी डिग्रेडेटेड इनटू द एडीपी एंड पीआई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी इज गिवन 7.9 ठीक है। यहाँ देखिएगा एटीपी एडीपी एंड पीआई में 7.9, इसके बाद इसका दिया हुआ है 1.09 एंड 7.9, इस चीज के बारे में बात की गई है ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मिलीमोल में या जिसमें दिया हुआ है, दिस इज इन मिलीमोलर। किस में दिया हुआ है, मिलीमोलर में, दिस इज इन मिलीमोलर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता, मिलीमोलर। दे हैव गिवन द डेल्टा जी नॉट -30 किलो जूल पर मोल, एटीपी 7.9 मिलीमोलर, दैट शुड बी 7.9 इंटू 10^-3 मोलर। एग्जैक्टली एडीपी इज 1.4, दैट 1.04 इंटू 10^-3 मोलर। पीआई 7.9, दैट इज 7.9 इंटू 10^-3 मोलर हो जाएगा। टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 37 प्लस 273 केल्विन, दैट इज 310 केल्विन, दिस शुड बी देयर। नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें, के की बात करें, एज यू नो दैट कि के वैल्यू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट है एडीपी, उसके बाद है पीआई, पीआई का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एटीपी। You have to put the values. Concentration of ATP and PI is equal to similar, so they will the cancel out. वो जो हो जाएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ADP का बस 1.04 into 10^-3 बचा रहेगा। सो देखिए ये 7.9 मिलीमोलर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1.04 मिलीमोलर एंड दैट शुड बी 1.04 into 10^-3 मोलर। ये जो हो जाएगा यहाँ पे केस बचा रहेगा। Now the formula you have to use is delta G is equal to delta G naught plus RTln K. ये formula use करेंगे क्योंकि equilibrium दिया हुआ है, आपसे normal पूछ रहा है। Delta G naught की value -30, R की value यहाँ पे रखेंगे 8.3 जूल पर मोल, यहाँ पे normally बात की जा रही है, while यहाँ पे ये 8.3 रखेंगे ठीक है, एंड उसके बाद 310 एंड ln की value इस तरीके से रखा जाएगा। Why this is 0.083 क्यों रखा गया है, या तो 30,000 को जूल में रखो या इसको किलो जूल में रखो। ध्यान देना कि या तो मैं 30 किलो जूल को रखूं 30,000 इस इक्वेशन में यहां पे, या हम ये रखें कि 30 इसको हम किलो जूल में रखें। ये क्या है, ये है R की वैल्यू इन किलो जूल। जूल में ये वैल्यू 8.314 होता है, दैट्स वाई ये जो है 0.0083 हो जाएगा बिकॉज इन द किलो जूल, ये किलो जूल पर मोल में हो जाएगा ठीक है, पर केल्विन। सो दिस इज द केस ऑफ आर वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू इन किलो जूल। तो नाउ वही वैल्यूज है इसमें, फिर टी की वैल्यू रखा केल्विन में, यह है टी की वैल्यू केल्विन में, एल एन ये वैल्यू रख दिया आपने कॉन्स्टेंट की 1.0 इंटू 10^-3,
इसको रखा तो ये माइनस है, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस थ्री उठ के लगभग एक एक ही के बराबर है, 1.04 इज लाइक वन, तो हम इसको एक भी मान सकते हैं, तो 10^-3 है, इसको उठा के आगे लेके आ गए, तो ये वैल्यू जो है पूरा सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, इसका मल्टीप्लीकेशन 310 में, फिर ln 10 की वैल्यू माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली आ जाती है -17.7, इसको -30 से जोड़ोगे तो दैट वैल्यू विल बी -47.7। यू कैन यूज द कैलकुलेटर, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो ये कैलकुलेशंस के लिए परेशान मत होना, यू कैन कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अगेन फ्री एनर्जी फॉर ATP हाइड्रोलिसिस, जो फ्री एनर्जी का क्वेश्चन है, ये फ्री एनर्जी फॉर ATP हाइड्रोलिसिस, ये जो है ATP हाइड्रोलिसिस की बात की जा रही है, ठीक है जी। ATP हाइड्रोलिसिस से इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्सप्रेस्ड इन द इंटरनेशनल यूनिट, ये देखिएगा एंजाइम से रिलेटेड है, किससे प्रॉब्लम है ये जो प्रॉब्लम है एंजाइम से रिलेटेड है और बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्सप्रेस इन द इंटरनेशनल यूनिट SI यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कटल वन कैटल इज, ठीक है। अगर ये आपको याद हो, अगर बताया जाएगा एंजाइम्स के केसेस में, मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था, इंटरनेशनल यूनिट इज मेजर्ड इन माइक्रोमोल पर मिनट एंड इन कैटल इज मेजर्ड इन मोल पर सेकंड। इस माइक्रोमोल को अगर करो तो ये देखिए छोटी यूनिट है, कैटल जो है ये बड़ी यूनिट है, सीधी सी बात है 6×10^7 जो होगा इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होगा। कैसे, इसको आप देख सकते हैं, अगर मैं इंटरनेशनल यूनिट को देखा तो माइक्रोमोल पर मिनट, माइक्रो को मोल में कन्वर्ट करो 10^-6, मिनट को सेकंड में करो 60 सेकंड, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसमें जो है इस मोल पर सेकंड को क्या लिख सकते हो, कैटल लिख सकते हो, मोल पर सेकंड को क्या लिख सकते हो, कैटल लिख सकते हो। इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखिए इंटरनेशनल यूनिट जो होता है ये होता है माइक्रो मोल पर मिनट, हम माइक्रो को कन्वर्ट कर रहे हैं 10^-6, दिस शुड बी मोल, सेकेंड को मिनट को सेकेंड में किया डिवाइडेड बाई 60, दिस शुड बी सेकेंड, और मोल पर सेकेंड ही तो होता है कैटल, तो इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 10^-6 डिवाइडेड बाय 60 इनटू कैटल, इसको हम कैटल लिख दिए, ये तो है। अब इन वैल्यूज को इधर भेज दो, कैटल जो हो जाएगा दैट शुड बी 60×10^6 इज इंटरनेशनल यूनिट, ये माइन इधर जाएगा, नीचे होगा -6 तो ऊपर जाके 6 हो जाएगा, तो ये जो है 6×10^7, दिस इज द केस हियर, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, इंटरनेशनल यूनिट और कैटल में क्या रिलेशन है। नाउ एक क्वेश्चन आ जा रहा है दैट मोलेरिटी, दैट अगर हम बात करते हैं तो व्हाट शुड बी द मोलेरिटी ऑफ वाटर इन वाटर एथेनॉल मिक्सचर 15N85 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मोलेरिटी के ऊपर बात की जा रही है जिसमें वाटर और एथेनॉल है 17:85 के रेशियो में। सो वाटर एथेनॉल मिक्स है 15:85 वॉल्यूम, मतलब 50 ml वाटर इन 100 ml ऑफ मिक्स एंड 150 ml ऑफ वाटर इन 1000 ml ऑफ मिक्स। अगर यूनिटरी मेथड लगाए 15 ml 100 में है तो 1000 में 150 ml होगा। 150 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू नियरली 150 g ऑफ वाटर, वाई, बिकॉज जो डेंसिटी होती है नियरली 1 होती है, डेंसिटी जो है वो नियरली वन होती है, तो ये जो हो जाता है, आपको पता है कि डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका दिया हुआ है 150, डेंसिटी है 1, तो 150 करोगे तो 150 ml जो है अब कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, 150 g में, क्योंकि इसका जो होता है ग्राम पर ml होता है तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा, तो दिस इज लाइक 150 g के बराबर हो गया। मोलरिटी क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आपने क्या किया कि वेट रखा 150 g, इसमें रखा कितना मॉलिकुलर वेट होता है 18 होता है, और वॉल्यूम आपने 1000 ml ले लिया है तो इसमें लीटर में रखेंगे तो 1 लीटर होगा, 1 लीटर। जब 1 लीटर में रखा तो ये सॉल्व करोगे तो दिस शुड बी 8.33 मोलर, 8.33 जो है वो मोलर इसका कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है।
100 ml में अगर 50 ml वाटर है तो 1000 ml में यानी 1 लीटर में 150 ml। डेंसिटी बराबर होने की वजह से, एक होने की वजह से जितना ही वॉल्यूम होगा उतना ही ग्राम, यानी 1 लीटर में 150 ग्राम वाटर है। 1 लीटर में 150 ग्राम है तो 150 ग्राम को मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देना तो उतनी मोलरिटी आ जाएगी 1 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर में आपने ऑलरेडी रखा है। तो दिस इज द मोलरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। ये जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं दैट ई कोलाई सेल्स ऑफ द वॉल्यूम इन दिस पर्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा कि कई अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ई कोलाई सेल्स ऑफ द वॉल्यूम 10^-12 पर, लाइक यहाँ पे जो है 10^-12 सेंटीमीटर के ऊपर, 10^-12 सेंटीमीटर क्यूब जो है दिया गया। कंटेन्स 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक रिप्रेसर, द रिप्रेसर हैज बाइंडिंग अफिनिटी इज 10^-8 मोलर। रिप्रेसर के पास एक बाइंडिंग अफिनिटी है 10^-8 मोलर एंड 10^-9 मोलर विथ एंड विदाउट लैक्टोज रिस्पेक्टिवली, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिप्रेसर इन द सेल। ये बोल रहा है कि ई कोलाई सेल का वॉल्यूम इतना है, 60 मॉलिक्यूल ऑफ लैक रिप्रेसर को रखता है, रिप्रेसर की बाइंडिंग अफिनिटी 10^-8 मोलर है और जब लैक्टोज है, और 10^-9 है विदाउट लैक्टोज। तो पूछा जा रहा है कि रिप्रेसर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सो ध्यान देना कि अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसको जब हम लीटर में लेके जाते हैं, वॉल्यूम में लेके जाते हैं, तो दैट 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। ठीक है ना, या इस चीज़ को हम इस तरीके से देख सकते हैं, 1000 ये यूनिट कन्वर्जन में लेके इसको कन्वर्ट करने के बजाय 10^-12 सेंटीमीटर क्यूब को 10^-12 10^-6 रखेंगे, बिकॉज सेंटीमीटर मीटर उसमें 10^3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में रखना है तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 10^-3। सो ये जो है सेंटीमीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर को मीटर क्यूब उसमें नॉर्मली है, फिर उसमें आपका लीटर में, उस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा कन्वर्जन करके 10^-3 जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ ये केस जो है आपका इन्वॉल्व हो रहा है, इतना मीटर क्यूब इतने लीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एन ए एंड इन टू द वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का ये हो जाएगा दैट मोल पर लीटर, फॉर्मूला क्या होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज मोल पर लीटर। मोल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर इज गिवेन 60, एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10^23 एंड वॉल्यूम इन लीटर इज 10^-15। ये है, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन आएगा 100 नैनोमीटर आएगा। इसमें इस KD की कोई रोल नहीं था, -8 और -9 का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इसमें अगर इन्होंने नंबर दे दिया तो आपको मोल निकालने के लिए नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर यूज़ करना था, और मोल निकाल लिया तो कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी निकाल सकते हो विद द वॉल्यूम। इस KD की कोई भी ज़रूरत थी ही नहीं, इससे आपने मोल निकालना था और इससे वॉल्यूम निकालना था, बस इसको सेंटीमीटर से आपको क्या करना था, लीटर में कन्वर्ट कर देना था, वैल्यू पुट कर देना था, डेट मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में रखा, इसमें नंबर रखा 60, एवोगाड्रो नंबर रखा 6.023 इंटू 10^23, इसके बाद वॉल्यूम रखा 10^-15 लीटर, सॉल्व किया तो ये करीब करीब 100 नैनोमीटर के आसपास जो है कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, किसका, ई कोलाई रिप्रेसर का। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़े मस्त मस्त आते रहते हैं, दैट दिस इज फ्रॉम आई थिंक गेट बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है ये, यस गेट BT का क्वेश्चन है, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन गेट BT में ही पूछे जाते हैं, एक्सेल में नहीं पूछे जाते, बट इट इज़ वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन जो कि आप सभी को सॉल्व करना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है कि इन अ मसल एट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड आर लाइक 150 and 12 millimolar, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा बोल रहा है, दिस इज एक्स्ट्रा दिस इज इंट्रा। पोटेशियम का एक्स्ट्रा कम होता है, इंट्रा ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको भी पता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -60 मिली वोल्ट, लगभग इसी के आसपास मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, 50, 55, 60।
विद द इंटीरियर मोर नेगेटिवली चार्ज देन एक्सटीरियर। आर की वैल्यू जो है जूल में ये है 8.314 एंड फेराडे 9645 किलो जूल में दिया, नॉट जूल। फ्री एनर्जी चेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 सोडियम आयन आउटसाइड द सेल एंड फ्री एनर्जी फॉर 2 पोटेशियम इनसाइड द सेल। वेरी नाइस क्वेश्चन, कि जिस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस में जो जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सेल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करी है। कंसंट्रेशन ध्यान रखना कि भैया सब सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। इसी वजह से सोडियम के जब हम आउट की बात कर रहे होते हैं तो ये लगभग 150 है, 150 है, और सोडियम जब इन के ऊपर बात करते हैं तो ये 12 है। जब पोटेशियम आउट के ऊपर बात करते हैं तो ये 2.7 है, जबकि अंदर की बात करते हैं तो ये करीब 140 है, ठीक है, मिलीमोलर। सारे के सारे मिलीमोलर में है, एवरी यूनिट इज इन मिलीमोलर। तो आप देखो कि सोडियम को कहाँ से कहाँ लाना है, लिख ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड द सेल। सोडियम को यहाँ से यहाँ भेजना है और पोटेशियम को अंदर लेके आना है। सोडियम यहाँ से बाहर भेजोगे कितने सोडियम को, 3 सोडियम को, और पोटेशियम 2 पोटेशियम को अंदर लेके आना है। तो पहले एक को कैलकुलेट करो कि एक सोडियम को बाहर भेजने में कितनी एनर्जी लगेगी, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक आपका पता चल जाएगा। एक सोडियम को कितनी एनर्जी लग रही है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 के लिए उतनी एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली विद द पोटेंशियल, एक पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करोगे तो 3 आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है 25, कैलकुलेट करेंगे केल्विन में 273 का ऐड करके 298 केल्विन। आर की वैल्यू दी हुई थी, फेराडे की वैल्यू दी हुई थी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल साई की वैल्यू दी थी 16 मिलीवोल्ट। फ्री एनर्जी चेंज फॉर 3 सोडियम ट्रांसपोर्ट, अगर इसकी बात करें डेल्टा जी, दिस इज द डेल्टा जी, आर टी एल एन एन इन आउट अपॉन इन, क्यों, क्योंकि हम बाहर भेज रहे हैं तो यहां पे आउट अपॉन इन जेड एफ साई। दिस इज फॉर सिंगल सोडियम, ये जो है सिंगल सोडियम के लिए था। फॉर्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया जा चुका है, एल एन आर टी आउट अपॉन इन, कहाँ पे जा रहा है, आउट जा रहा है, इन हो रहा है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल, इसका फाइनल आउट है और इनिशियल जो है इन है, यही तो है। अगर आप बात करते हैं तो फाइनल जो है इसका आउट है और इनिशियल इन था, तो फाइनल अपॉन इनिशियल का केस बना। पुट करो वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, सोडियम आउट अपॉन इन, जेड की वैल्यू, एफ की वैल्यू, साई की वैल्यू, इसमें जो है इस सारी की सारी चीज़ें पुट करी। 60 × 10⁻³ रखना मत भूलना, सो दैट यू कैन सॉल्व इट। इसमें जो है आपने, क्योंकि -3 यहाँ पे रखा है और इसका जो है किलो जूल को +10³ रखोगे, क्योंकि ये किलो जूल में है, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 96.45 × 10³ जूल पर मोल, क्योंकि ये जो वैल्यू आपने जूल पर मोल में रखी है यहाँ पे, तो इनको भी जूल में रखना पड़ेगा और ये वोल्ट में रखना पड़ेगा रेदर देन मिली वोल्ट, और इसमें मिली मिली तो कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे आप रखो चाहे ना रखो। तो ये वैल्यू रखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जूल इस तरीके से था, ये सोडियम सिंगल के लिए था, जब इसमें 3 के लिए करेंगे तो दिस इज फॉर 3 सोडियम, ये जो है 3 सोडियम के लिए आ जाएगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बस अब कैलकुलेट करना है, पूरा पूरा सॉल्व करो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द डेल्टा जी फॉर 3 सोडियम ट्रांसपोर्ट, दैट इज 36.3 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि फ्री एनर्जी फॉर 2 पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट फॉर सिंगल के, फॉर्मूला विल बी द सेम, बट डेल्टा जी डेल्टा के की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे के की वैल्यू के जो हो जाएगा इन अपॉन आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम के केस में अगर हम बात करते हैं तो सोडियम जो है अंदर की तरफ जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन इन है और इनिशियल पोजीशन जो है आउट है। ये इनिशियल पोजीशन है, ध्यान देना, इनिशियल पोजीशन इज लाइक यहाँ पे जो है इनिशियल पोजीशन आउट है इसका, और फाइनल पोजीशन जो है वो इन है। तो फाइनल अपॉन इनिशियल में इन अपॉन आउट, ये है जेड एफ साई फॉर सिंगल पोटेशियम, सिंगल पोटेशियम के लिए। एंड इसमें जब ये वैल्यू रखोगे 8.314 × 298, वैल्यू है आर टी एल एन
उसके बाद के इन 140 मिलीमोलर, के आउट 2.6 मिलीमोलर, अगेन जेड वन चार्ज वन ही होता है इस पे, एफ की वैल्यू जो है 9.6 इंटू 10^3 दैट इज जूल एंड 60 इंटू 10^-3 वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर द सोडियम एंड 2 ये जो है फॉर 2 पोटेशियम, फॉर 2 पोटेशियम के लिए हो जाएगा, सॉल्व द वैल्यू यू विल गेट द राइट आंसर दैट शुड बी 31.14 किलो जूल पर मोल. दिस इज द केस यू कैन सॉल्व द थिंग्स. ठीक है जी, इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. नाउ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जैसे देखिएगा कि यहां पे क्या हो जाता है कि दिस इज सी टर्मिनल ग्रुप एंड एन टर्मिनल ग्रुप इन अमीनो एसिड. ये जो है आपके लिए अगर बात करें तो सी टर्मिनल ग्रुप एंड एन टर्मिनल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड हैव द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. ठीक है, सी टर्मिनल कार्बोक्सी एंड एन टर्मिनल ऑफ अमीनो ग्रुप जो है इनका ये है 2.2 एंड 9.2. देयर पीके ऑफ साइड चेन ऑफ कार्बोक्सिक इन ग्लूटामेट इज 4.2 एंड द साइड चेन ऑफ लाइसिन इज 10.2. द डिफरेंस बिटवीन पीआई ऑफ लाइसिन एंड ग्लूटामेट एसिड राउंडेड टू द टू प्लेसेस. तो अगेन आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे दोनों ट्रिक आपको बताया गया था. ठीक है, इसमें क्या है कि जब आप लाइसिन के लिए देखेंगे तो देखिए पी के साइड के लिए, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है कि इन्होंने क्या किया कि पी के वन की वैल्यू दिया हुआ है 2.2, पी के टू की वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 9.2, पी के आर की वैल्यू फॉर ग्लूटामेट है 4.2 एंड पी के आर फॉर लाइसिन जो है दैट इज 10.2. अब ये वैल्यू जब देखिएगा कि इसके लिए जब ग्लूटामेट कैलकुलेट करेंगे सो टू वैल्यूज आपको क्वेश्चन बताया गया था, दो वैल्यूज देखो 7 से लेस ये दो हैं. अगर ग्लूटामेट के लिए देखो तो 2.2 प्लस 4.2 इज लेस देन 7, यू हैव टू टेक द एवरेज, इन दोनों वैल्यूज का लेस देन 7 है, एवरेज ले लो दैट इज 3.2. फॉर लाइसिन इसमें देखिएगा कि दो वैल्यूज जो है वो 7 से ग्रेटर है, इन दोनों को लोगे फॉर लाइसिन, आप इन दोनों को लोगे ग्रेटर वाले को, फॉर ग्लूटामेट ये जो है लेसर वाले को लोगे क्योंकि एसिडिक वन है, और ये मैंने ट्रिक भी आपको बताया था. सो दिस टू वैल्यूज आर ग्रेटर देन 7 हियर एंड टेक द एवरेज ऑफ दिस, और जैसे ही एवरेज लेंगे दिस इज 9.7. ठीक है, तो आपके पास जो है ये किस्सा आ गया. तो जब किस्सा आ गया नाउ यू हैव टू लाइक माइनस करना है, डिफरेंस बताना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस ऑफ द पीआई ऑफ लाइसिन एंड ग्लूटामेट जब आपको बताना है तो आप डिफरेंस ले लीजिए, लाइक 9.7 माइनस 3.2 दैट शुड बी द 6.5 आ गया आपका आंसर. ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इन दिस वे, आप इस तरीके से आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है? नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द टोपोलॉजिकल डायग्राम ऑफ द 4400 अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन एक्स इज डेपिक्टेड इन द फिगर, द स्टार्ट एंड एंड अमीनो एसिड रेजिड्यू नंबर ऑफ ईच अल्फा हेलिक्स आर मार्क्ड, द परसेंटेज नंबर ऑफ रेजिड्यू फॉर्मिंग द अल्फा हेलिक्स. इसमें परसेंटेज के ऊपर बात की जा रही, कितना होगा अल्फा हेलिक्स के लिए. तो ध्यान देना कि अब इसमें क्या करना है, बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है, 400 अमीनो एसिड का बना हुआ है. इसमें अगर आप देखोगे तो देखिएगा ये अल्फा हेलिक्स कितने का बना है, प्लस 21 से लेके 70 तक, 21 से लेके कितना बना है 70 तक है. ये अल्फा हेलिक्स कितना बना है 25 से लेके 249 तक. ठीक है, और ये है 320 से लेके 324 तक. लेट्स सॉल्व इट. टोटल अमीनो एसिड नंबर इज 400, अल्फा हेलिक्स पहला जो बना है 70 माइनस 21 करेंगे तो 50, 249 माइनस 255 करें 225 करेंगे, 249 माइनस 225 दैट शुड बी 25 एंड 324 माइनस ये करेंगे तो यह आ जाएगा. इसमें प्लस वन क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस में नॉर्मली जब एक को कंसीडर करते हुए कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें देखिएगा कि 320 से लेके कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 320 हो जाएगा फिर 321 322 324 तो ये एक एक्स्ट्रा आएगा, वन प्लस होगा क्योंकि हम उसको इन्वॉल्व करके कर रहे हैं. आप इसको नॉर्मली देखिए, जैसे अगर 320 की बजाय देखिएगा 301 से लेके 309 देखिएगा, वन काउंट करेंगे आप देखिए 301 302 303 304 305 306 307 308 और 309 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरीके से ये चीज़ आ गई. लेकिन जब इनको माइनस करेंगे तो आपको 80 आएगा.
आपको आ रहा था ये 309 माइनस 309, 8 माइनस प्लस 1, इसलिए तो आपको टोटल 9 वैल्यूज मिल रहे थे। तो प्लस 1 हम करते हैं क्योंकि एक वैल्यू इंक्लूड किया जाता है, तो एग्जैक्टली ये चीज़ जो है आपको किया जा रहा है, उसी वजह से ये वैल्यू प्लस 1 की गई है सभी के केसेस में जो सॉल्यूशन में आपको किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने 70 माइनस 21 प्लस 1 किया, इसी तरीके से आपने इस तरीके से प्लस वन किया, 50 प्लस 25 प्लस 5 दैट शुड बी 80, टोटल 81 80 आ जाएगा। नाउ 400 में से 80 जो है हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, यही तो होगा कि आपके 400 टोटल में से 80 जो है वो हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं। AC 80 आर द हेलिक्स फॉर्मर, यही तो है जो हेलिक्स फॉर्मर का काम कर रहे हैं। जब हेलिक्स बना रहे हैं परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सॉल्व करोगे, सो दिस शुड बी लाइक 4 से करीब करीब 20% जो है वो आंसर आ जाएगा, देयर शुड बी लाइक 20% जो है वो हेलिक्स बना रहे, ठीक है। सो वर्ड बहुत ही सिंपल सा था, इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से चीज़ों पर जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, एक ये क्वेश्चन आता है, डाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। गेट एक्सेल 2017 बायोकेमिस्ट्री, अ नंबर ऑफ फ्रैगमेंट दैट जनरेटेड व्हेन दिस पर्टिकुलर पेप्टाइड इज सब्जेक्टेड टू द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेंगे तो कितना बोल रहा है कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, नॉट बॉन्ड, फ्रैगमेंट के ऊपर बात कर रहा है। इसमें क्या है कि ट्रिप्सिन से डाइजेशन कर रहे हैं, जब हम ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे तो क्या पंगा चलेगा, बहुत सिंपल सा पंगा है कि जब हम बात करते हैं तो हमें इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ट्रिप्सिन डाइजेस्ट क्या करता है, सी टर्मिनल। व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रिप्सिन इज एंडोपेप्टिडेज, ये जो है एक एंडोपेप्टिडेज है, सी टर्मिनल पे कट करता है यानी कि राइट साइड पे कट करेगा, और ये जो होता है किस अमीनो एसिड के राइट साइड पे कट करेगा, आर्जिनिन और लाइसिन, आर के, रणबीर कपूर, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा कि इस केस में ये है आपका पूरा का पूरा अमीनो एसिड, इसमें जब आप देखेंगे तो ये आर के को ढूंढो, आर 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 के है मिला, लेकिन इसके बगल में ये है प्रोलीन, के है प्रोलीन, तो यहाँ पे जो कट होगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड कट होगा, नो, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोलीन, यहाँ पे प्रोलीन पे आ जा रहा है, बिकॉज प्रोलीन इज देयर। नाउ इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आर 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 यहाँ पे आ रहा है, क्या ये बॉन्ड यहाँ पे कट होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कट होना चाहिए, ठीक है, ये जो है यहाँ पे कट होगा। एंड इसके बाद आर आर यहाँ पे भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो यहाँ पे आर मिल रहा है लेकिन अगेन प्रोलीन है, क्या यहाँ पे बॉन्ड कट होगा, अगेन नहीं कट होगा। इसके साथ के यहाँ पे है जो मिस हो गया था हमारे साथ, देखिएगा एक के यहाँ पे है जो कि कट हो रहा होगा, आप लोग देख चुके होंगे, तो ये के यहाँ पे भी कट करेगा, तो कट एक यहाँ पे हो रहा है और कट एक यहाँ पे हो रहा है, ये दो साइड पे कट नहीं होगा, तो साइट इज वन, साइट इज वन, जब इसको कट करेगा तो एक आपको फ्रैगमेंट मिलेगा दिस मच, इतना ए एन डी सी क्यू ई जी, दूसरा फ्रैगमेंट यहाँ से मिलेगा दिस मच, तीसरा फ्रैगमेंट यहाँ से मिलेगा इसके आगे दिस मच, तो आपको टोटल कितने फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं, टोटल फ्रैगमेंट मिलेंगे 3, बिकॉज द साइट इज 2, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसके ऊपर बात करते हैं, गेट एक्सेल 2016 बायोकेमिस्ट्री का है। एस्पार्टेट रेजिड्यूज आर फाउंड इन द एक्टिव साइट ऑफ मेनी एंजाइम्स, द पीके ऑफ बीटा कार्बोक्सिलेट ऑफ एस्पार्टेट, बीटा कार्बोक्सिलेट ध्यान देना, इज दी 3.86 एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच दिस ग्रुप कैन फंक्शन एज, ये जो होगा ये बिकॉज इसके पास क्या है, कार्बोक्सिलेट है, बीटा कार्बोलिक्स 3.8 फिजियोलॉजिकल पीएच पे, क्योंकि ये बीटा कार्बोक्सिलेट का पीकेए जो है 3.86 है, मतलब 3.COH जो है ग्रेटर देन 3.86 पीएच पे, ग्रेटर देन 3.86 पीएच पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, सॉरी जो है सीओ माइनस में, क्यों, क्योंकि आप इस चीज को देखिए, नॉर्मली क्या बोला जा रहा है कि 3.8 पीएच पे इस फॉर्म में रहेगा पी के, इस पे ये इससे ग्रेटर पीएच अगर होगा तो यहाँ से प्रोटॉन जो है डोनेट करके ये सीओओ माइनस में हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब है नियर अबाउट 7 एंड वो जो है पी के से ज़्यादा है, 7 इज ग्रेटर देन 3.86, सो दिस विल कॉज द डी प्रोटोनेशन,
ये कॉज कर लेगा डी प्रोटोनेशन, और डी प्रोटोनेशन कॉज करेगा तो ये इस तरीके के फॉर्म में रहेगा। और कोई चीज़ अगर नेगेटिव है तो ये किस चीज़ को लव करेगा, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब पॉजिटिव लव होगा, तो दिस शुड बी न्यूक्लियो फाइल का काम करेगा एंड कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा, बिकॉज दिस इज अ एसिड एंड दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये है कॉन्जुगेट बेस। सो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात करते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जब डीएनए सिंथेसिस या इन सब चीज़ों पे, एक्सेल बायोकेमिस्ट्री 2017 का ही क्वेश्चन है। द ड्यूरेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन द प्लांट एस फेज इज 11 आवर एंड डीएनए इज रिप्लिकेटेड 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फॉर्क। The plant species has 3 into 10 to power 10 base pair per genome. Number of bidirectional fork per genome required for the replication will be, क्या होगा उस पर बात करते हैं। 11 आवर्स को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 11 into 60 यानी 3600 इसको सेकेंड में किया तो 3960 सेकेंड्स आ जाएगा, यानी कि जो एक सेकेंड में 100 बेस पेयर पर फॉर्क चल रहा था यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। नाउ 11 आर जो है दिस इज द 100 इनटू सेकेंड्स, हमने इसको सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर लिया कि इतने सेकेंड में कितना बेस पेयर ऐड कर रहा होगा, तो दैट इज 3.96 इनटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर पर फॉर्क। नाउ फॉर्क विल बी 3 point, क्योंकि टोटल जीनोम इतना है जो रिप्लिकेट हो रहा है, इतना पर सेकेंड पर फॉर्क चल रहा है, तो टोटल फॉर्क हो जाएगा नॉर्मली अगर हम बात करते हैं 3.2 into 10 to power 10 divided by 3.96 into 10 to power 6, सो दिस विल बी 7575 जो है आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज 7575, दिस इज द केस जो कि आपकी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सॉल्व इट। सो गाइस, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अच्छी बात है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।